संकट में फंसी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चुनौतियों से उभरने के लिए मोदी सरकार के अंतिम बजट में किसानों के लिए ढेर सारी लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए साल 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का नारा फिर से दोहराया है। देखिए रिपोर्ट। देश भर में 80% किसान कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से आत्महत्या करते हैं, लेकिन मोदी सरकार के पास किसानों की कर्ज माफी के लिए कोई योजना नहीं है। सरकार इसके उलट किसानों की आय बढ़ाने के मोर्चे पर काम कर रही है। मोदी सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार का फोकस है कि किसानों को उनकी सभी उपज पर दाम लागत से 1.5 गुना अधिक मिले, लेकिन सच्चाई ये है कि किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। बजट में इसके अलावा किसानों के लिए हुई मुख्य घोषणाओं पर खास नजर। सरकार ने 42 मेगा फूड पार्क बनाए जाने का ऐलान किया है। इसके अलावा गांवों में 22,000 हाटों को कृषि बाजार में तब्दील किया जाएगा। कृषि बाजार के विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मछली पालन और पशुपालन व्यवसाय में 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मछुआरों और पशुपालकों को भी किसानों की तरह क्रेडिट कार्ड मिलेगा। नकदी फसलों के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से ऑपरेशन ग्रीन शुरू किया जाएगा। कृषि लोन के लिए 11 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे और बागवानी की फसलों पर छूट का प्रावधान होगा। गो न्यूज़ ब्यूरो।